ये वो रंगोली है जो मैंने बनाई है, पसीने आ रहे हैं आज। फ्रेंड्स बाय। आज रील्स बनाने का बहुत मन कर रहा है। तो हेलो गाइस, ये मेरा मेकअप दिया ने किया है। देखो कैसा है, उसने मुझे काजल लगाई, सिंदूर भी लगाया और लिपस्टिक भी लगाई। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो चलो मिक्स करती हूँ। तो गाइस, घर में इतना सारा खाना बना है, मैं क्या बताऊँ। फिर भी ये बच्चे ना वड़ा पाव खा रहे हैं, देखो, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के नीचे ना वड़ा पाव की गाड़ी लगाता है। गरम गरम वड़ा पाव दिन भर मिलते हैं। इतनी खुश हो रही है, इन लोगों को दिन भर बाहर का खाने को दे दो, दिन भर पेट नहीं भरेगा। फिर भी दिया खाना नहीं खाने का है। तो गाइज, आज तो थोड़ा आराम कर रहे हैं हम लोग। अभी साहिल जा चुका है हॉस्टल में और कल की त्योहार की थकावट है, तो उस वजह से हम लोग आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। तो गाइज, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। मेहमान मतलब हमारे ही फैमिली मेंबर्स, तो हमारे परिवार वाले आए हैं। हमारे चाचा जी मतलब डियर हस्बैंड के चाचा आए हैं और बुआ जी आए हैं। तो अभी हम खाना खिला रहे हैं उनको, मतलब मैं अभी खाना निकाल रही हूँ। तो अभी अंदर सब लोग बैठे हैं। तो मैंने सलाद बनाया है, इसने सैलेड बनाया है। कमेंट करके बताना कैसा बनाया है मैंने। गाइस, हम लोगों ने ना थोड़ी सी रोटी का तोड़ के मस्त टेस्ट किया था, मस्त है ना। मैं पंद्रह बरस की, ये दोनों खा रहे गाइस, देखो चलो ले जाए। क्या मुंह में घुसा की गाइस, ये लोग देखो चुप चुप के खा रहे हैं मेहमानों के आगे। तो यहाँ पर जो खाना बच गया ना, वो ये लोग खा रहे हैं, जैसे कि इन लोगों को खाना मिलने वाला नहीं है। और मेहमानों के जाने के बाद भी जो खाना बचेगा ना, उस पर ये लोग टूट के पड़ेंगे। वैसे तो खाना भरपूर बनाया है, और किस किस के घर में ऐसा होता है जो मेहमानों के जाने के बाद समोसे जलेबी बचते हैं और हम टूट के पड़ते हैं। घर भी रहता है क्या वो? गाइस पीको, पता नहीं किधर चले गए, खाना देने आए। तो गाइस है ना, नीचे छुपा था, ये लोग बाहर ढूंढ रहे थे। अरे मेरा बाबू यहाँ है। हाय, आजा आजा आजा। इमो हाय पिको, नो नो, इसको ये खिला दे। भूखा लगा, भूखा लगा नानू का, खिला इसको खाना। मैं पंद्रह बरस की, ये तेरा बरस। ये क्या हो रहा है? चालीस चालीस नहीं है मेरा ये। तो गाइस अभी देखो, ताई अभी स्वीट्स निकालेगी मेहमानों के लिए, देखते क्या निकालती है।
तो गाइस ये बची है हमारे घर में रक्षाबंधन की मिठाई, जो कि कल ही आई है रक्षाबंधन की, और अभी हम खाते हैं। चलिए तो गाइस यहाँ पर खिलाया मैंने तीनों बच्चों को एक साथ खाना, तीनों को भूख लग गई थी फिर से एक बार, तो अभी तीनों को मैं एक ही बाउल में मिक्स करके खिला रही हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। The next morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, कल मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, तो आज तीज की छुट्टी है तो सब घर में ही है। और सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ इडली, तो यहाँ पे फटाफट से मैं इडली बना रही हूँ। ये इडली का घोल है जो कि मैं रेडीमेड लेके आई थी, तो यहाँ पर इडली के बर्तन मेरे पास है, इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है। इन सभी बर्तनों में मैं बस ऑयल लगाऊँगी थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे चम्मच से मैंने ऑयल डाल लिया है क्योंकि मेरा ब्रश ना ख़राब हो गया है तो मैंने फेंक दिया था उसको, तो जिस दिन मैं मॉल जाऊंगी तो नया ब्रश लेके आने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर ऐसे मैंने हाथों से इडली के बर्तन में ऑयल लगा लिया था और इडली बनी थी बड़ी स्पॉन्जी, फूगी फूगी सी, बड़ी टेस्टी सी। और इडली बना कर ना मैं लेट गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। डियर हस्बैंड ने चटनी बनाई और फिर हम सब ने खाया। तो बस अभी यहाँ पर इडली के साँचे में मैंने इडली भर ली है और बस इसको रख दूँगी मैं अभी इडली के कुकर में अच्छी तरह से। और ये एक्स्ट्रा बच गया था तो छोटी वाटी में मैं ऐसे रख देती हूँ हमेशा, तो इससे काफ़ी बड़ी इडली बनी थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग हो चुकी है, आज है तीजड़ी का दिन, मतलब सिंधीज में त्यौहार मनाया जाता है तीजड़ी का। सभी लेडीज़ फास्ट रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं। तो गाइस मेरा तो फास्ट नहीं है एक्चुअली, मतलब आज है सिंधीज का प्रोग्राम और आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, कल से मुझे फीवर है। मैं कैसे कैसे उठी, अभी मैंने यहाँ पर बस इडली बनाने रखी है, थोड़ी देर में चटनी बनाऊँगी तो देखती हूँ, डॉक्टर के पास जाऊँगी अभी थोड़ी देर में, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैं इडली चढ़ाकर यहाँ बेडरूम में बैठ गई और पूर्वी उठ गई मेरी तबीयत ख़राब देख के, और मुझे एक कप उसने दूध दिया और यहाँ पर इडली भी बन चुकी है। और ये थोड़ी सी इडली है, हमारे यहाँ पर एक आंटी है नीचे सब्जी वाली, मैं उनको भेज रही हूँ। और यहाँ पर कराटे के बच्चे आ गए थे तो बस उनको मैंने हम सब ने मतलब इडली खाई। और ये बच्चे पीको के साथ में खेल रहे हैं, तो ये हैं अंश वंश, ये जुड़वा हैं, एक जैसे दिखते हैं दोनों। और ये देखिए वो बड़ी वाली इडली कितनी मस्त बनी है, बड़ी बड़ी। और अभी इस वक्त मैं मम्मी के घर में बैठ के डबिंग कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत शोर होता है तो माफ़ करना। और ये चटनी डियर हस्बैंड ने बनाई है बड़ी टेस्टी सी। तो यहाँ पर बैठ के हम सब ने नाश्ता किया, उसके बाद में मैं दवाई खा के फिर से लेट गई थी। और आज पूरे घर का काम पूर्वी ने ही संभाला। और यहाँ पर शाम को मैं निकल गई थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, डियर हस्बैंड के साथ में हूँ मैं अभी। और गाइस फीवर इतना ज़्यादा था, डॉक्टर ने यहाँ पर मुझे सलाइन लगाया और मैं लेट के यहाँ पर सलाइन लगवा रही हूँ, उसके बाद में घर पे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ दवा खाने से, एक सलाइन चढ़ाया और दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, तो थोड़ा सा मुझे वायरल फीवर था और कुछ नहीं, तो मतलब सर्दी खांसी भी थोड़ी हो रही है, तो बस उसी सब के लिए मैं अभी मेडिसिन लेके आ चुकी हूँ। और सच में आज ऐसा लग रहा था ना, मतलब मुझे बेड से उठने ही नहीं हो रहा था जरा सा भी। अगर आज मेरी बेटी ना होती ना, शायद मुझे खाना भी नहीं मिलता। सच में बेटियाँ ना हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, माँ की हिम्मत ताकत सब बेटियों से जुड़ी होती है। सच में आज मेरी पूर्वी ने मुझे खाना बना के खिलाया, बर्तन भी किए उसने, मतलब मुझे मालूम ही नहीं पड़ा क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, आज तीज का त्यौहार है तो उसकी छुट्टी थी। अभी वो क्लास गई है, क्लास की छुट्टी नहीं है, स्कूल की छुट्टी थी, उसने सारा काम किया आज। सच में मुझे इतना आराम दिया, अगर मतलब बेटा नहीं कर पाता है इतना जितना बेटी कर लेती है सच में। और मेरी बेटी में तो सारे रूप हैं, दुर्गा का, काली का, लक्ष्मी का, सरस्वती का। पढ़ाई में अच्छी है, खेल कूद में अच्छी है, अभी कराटे कंपटीशन में 2 गोल्ड मेडल लेके आई है, लाठी कंपटीशन कर चुकी है, घर का भी काम कर लेती है, खाना बना लेती है। बताओ, मतलब थोड़ा बहुत मैं उसको कभी कभी बताती थी सिर्फ, जैसे पूरी थोड़ा नमक डाल के आ
या पूरी गैस बंद कर दे, पूरी तीन सीटियों की तो बंद कर देना। ऐसे नॉर्मली मैं उसको बताते बताते ऐसे रेयरली वो इतना सीख गई, पूछो ही मत। मैं दिखाती उसने क्या बनाया आज। तो ये दाल है दोपहर वाली, ये उसने बनाई थी बड़ी ही टेस्टी सी। यहाँ पर राइस है और ये है रोटियाँ, सिर्फ दो ही रोटी बची है। उसने ना सबके लिए रोटियाँ बनाई थी और इतनी सॉफ्ट नरम नरम, देखो कितनी गोल भी है ना। और इसके साथ में उसने बनाई थी टमाटर की चटनी। तो पूर्वी ने बनाया था टमाटर की चटनी, दाल चावल रोटी। सच में खा के ना तबीयत खुश हो गई, जो मैं नींद से उठी और मुझे खाना मिला, दवाई मिली। सुबह मैं एक्चुअली मेडिकल से दवाई लेके आ गई थी और अभी मैं दवाखाने से दवाई लेके आई हूँ। तो बस मैं आज बहुत बहुत प्यार आ रहा है मुझे पूर्वी पे। अभी क्लास गई है, आने के बाद मैं उसको ज़ोर से हग करूँगी मैं। तो चलिए ठीक है, अब आप भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार कीजिए। और है ना, शाम को मैं उठ के बैठ गई थी, मतलब मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था, तो मैं उठ के ऐसे मंदिर के पास बैठ गई और मैंने बनाई ऐसे ही, मतलब वीडियो नहीं शूट किया मैंने, रंगोली बनाई। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये वो रंगोली है जो मैंने बनाई है। बहुत दिनों बाद आज मेरा मन किया और मैंने रंगोली बनाई, क्योंकि कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस एक जगह ऐसा लग रहा था चुपचाप बैठूं। फीवर था, सर्दी थी और मुझे थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले में बहुत दर्द था। तो अभी मुझे सलाइन लगा कि थोड़ा बेटर लग रहा है, बट मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं आज। सुबह तो इडली बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आए, मैं जाके लेट गई थी। तो चलिए अभी बस कराटे सर और पूर्वी आने वाले होंगे, तो अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं शाम के लिए कुछ बना लेती हूँ। चलिए इस पूर्वी आ चुकी है क्लास से और जैसे कि मैंने कहा था उसको हग करूँगी जोर से। तो मेरी बेटी ने आज मेरा बहुत ख्याल रखा, ये तो मेरा फर्ज है। बढ़िया, ये तो मेरा फर्ज है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फिर से एक बार किचन में और खाना वगैरह इस वक्त सब हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, कड़ी पत्ता, मेथी दाना, राइस मैंने भिगोया है, ये है विटामिन ई के कैप्सूल, कॉफ़ी और मेथी दाना और राइस को मैंने बॉईल कर लिया था भिगो के, और इन सबको मैं पीस लूँगी। और मैं बना रही हूँ हेयर टॉनिक बालों के लिए और इसमें मैंने डाली है 2 कॉफ़ी। तो ये बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, मैंने भी देखा था नेट पर और आज मैं घर में बना रही हूँ। तो इसको मैंने सबको पीस के और यहाँ पर छान लिया है कड़ी पत्ता ऑनियन को, और उसके बाद में ये मेथी दाना और राइस को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मीन्स चावल का माड़ को, और बस सब मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 5 कैप्सूल डाले थे विटामिन के और आधा नींबू, और ये कैस्टर ऑयल पूरा डाल दिया है मैंने इसमें। और उसके बाद में बस ये देखो ऑयल मैंने डालते हुए वीडियो नहीं आया, और बस एक बॉटल में भर लिया छान के, और यहाँ पर रेडी है टॉनिक, आप भी ट्राई करना। गाइस आप लोग ने देखा होगा मैंने हेयर सीरम बनाया। अभी देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं पैसेज में। ये हमारी बिल्डिंग के बच्चे हैं, फ्लोर पर खेल रहे हैं, डेली खेलने आते हैं। पूर्वी भी खेलती है इनके साथ, लेकिन पूर्वी आज कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है। नाम बोलो फटाफट से। क्रेश, नाम ही भूल गया। ओके, सागर, सिमरन, प्रियंका, तो ये लोग है ना क्लास से आने के बाद में यहाँ पर फ्लोर पर खेलते हैं। हमारा फ्लोर काफ़ी लंबा चौड़ा है यहाँ से वहाँ तक, मतलब कभी कभी मैं यहाँ पर भी मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। बाय बाय बाय। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मेरा हेयर सीरम मैंने बनाया, आप लोग भी देखना ट्राई करके, शायद आप लोग को फ़ायदा हो। और पूर्वी और उसके पापा लगे हैं कल की तैयारी में, कल एक और कंपटीशन है जैसे कि मैंने बताया था। तो आ गई हूँ मैं किचन में, क्लीनिंग होने के बाद में मैं लाइट वगैरह ऑफ करके चली गई थी, खाना वगैरह हो चुका है। तो सीरम बना के ना मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो आज तो मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे सर्दी है। ये मैंने ऐसे स्प्रे बॉटल में भर के रख दिया है, देखो इसमें है चावल का माड़ और मेथी दाना, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया, और ऑनियन, कड़ी पत्ता को मैंने पीस लिया था, और कॉफ़ी को भी। तो काफ़ी हेल्पफुल है बालों के लिए, आप लोग भी ट्राई करना। फिर से एक बार आ गई हूँ मैं बाहर, जैसे कि आज तीज का त्यौहार है तो सभी लेडीज़ हमारे बिल्डिंग के टेरेस पे गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि चाँद निकलने का टाइम हो गया। चलिए देखते हैं।
आज इन लोग की परीक्षा है। कैसा लग रहा है मैडम फास्ट रख के? हाय अब तो भूख से जान निकल रही है यार। ये अभी गुंजन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब जल्दी नहीं मिलता है। हाँ हाँ लाइट कम है। क्या करना है आपको देख के? आज सब ना एक से एक आप लोग ही चांद लग रहे हो आज। इतना मत सब एक से एक लग रहे। तो ये तीनों है मेरी फ्रेंड्स गुंजन दिव्या एंड रितु। ओके तो भी ब्लॉग बना रहा है चांद मामा को बोलो जल्दी चांद मामा जल्दी आ जाओ मेरी फ्रेंड्स को भूख लगी है। सच में बहुत लगी है अभी यार। आज आप लोग का इम्तिहान है। इतना गहरा ऐसे कैसे पति की उम्र लंबी होगी? हार्ड वाला हार्ड वाला क्योंकि अभी बहुत बस अभी टायर्ड हो चुके हैं सुबह से पूरे दिन से ना सुबह 4 बजे उठ के सरगी बोलते हैं सरगी साढ़े 3 बजाई। तो चलो मैं इन लोग की रील्स बना देती हूँ। आज रील्स बनाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे भी टाइम ही टाइम है जब तक चांद नहीं निकले। मेहंदी दिखाओ मेहंदी दिखाओ जल्दी जल्दी। बहुत डार्क हुई है बहुत प्यार इनके पति बहुत प्यार करते हैं सभी के। मेरा पति मैंने लगाया ही नहीं है आज। तो गाइज मैं गई थी ऊपर मेरी फ्रेंड से मिलने और अभी मैं जा रही हूँ नीचे फटाफट से रेडी होने क्योंकि उन लोग ने जिद की कि आप भी रेडी होके आओ। तो अभी मैं भी रेडी होके आती हूँ उसके बाद में हम लोग रील्स बनाएंगे। गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहना है ये वाला वन पीस और मुझे टाइम नहीं लगता रेडी होने में। मैं ये मतलब 2 से 3 मिनट में रेडी हो गई हूँ। सिर्फ मैंने ड्रेस डाला लिपस्टिक लगाई काजल लगाई। तो चलिए चलते हैं टेरेस पर। गाइज मैंने सोचा लिफ्ट से ऊपर चली जाऊं और मैं आ गई ग्राउंड फ्लोर पर और मेरा एक इयररिंग्स निकल गया है। इसकी मतलब इसकी डंडी थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसका जो पीछे का रबर है वो भी खो गया। तो फिर से एक बार मैं घर पे जा रही हूँ इसको पहनने के लिए। तो पहन लिया मैंने इयररिंग और लिफ्ट को छोड़ो उसके चक्कर में लेट हो जाएगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही जा रही हूँ ऊपर। कहाँ तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और कहाँ अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए। मुझे मेरा खुद का पता नहीं रहता क्या होगा। और ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं चांद। इतना चमचम। तो गाइस फिर से एक बार टेरेस पे आ गई हूँ मैं रेडी होके और ये सब मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर हम सब गपशप कर रहे हैं क्योंकि चांद निकलने में टाइम है। और जो दिव्या है मेरी बेस्ट फ्रेंड वो मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करा रही हैं जिनको मैं अभी तक थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं और सबसे जान पहचान हुई आज। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया और इन सब का फास्ट है मेरा फास्ट नहीं है क्योंकि मैं सिंधी नहीं हूँ। तो अभी ये लोग है ना चांद का वेट कर रहे हैं उसके बाद में पूजा वूजा करेंगे और यहाँ पर हमारी मजाक मस्ती चालू है बहुत ही ज़ोरदार। हो गई है यहाँ पर ये देखो सब जमा हो गए। किधर है किधर है चांद किधर है किधर है मुझे मां छत मुखे मम्मी दर्शन दीजिए। देखो चांद आया चांद नजर आया। तो गाइस फाइनली चांद निकल आया है और मेरी सभी फ्रेंड्स का इंतज़ार ख़त्म हुआ और यहाँ पर सभी लेडीज़ कर रही हैं पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए।
चला गया चला गया इंतजार से है हाल मेरा फ्रेंड्स बाय सबको बाय अच्छे से पूजा करना ऑल द बेस्ट